सो गाइस जल्दी जल्दी हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली मैं आपको ना बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, पता नहीं कल हो या ना हो। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले हफ्ते 29 तारीख को मेरे साथ क्या हुआ है और किस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, बदतमीजी की और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं इंस्टाग्राम पे इसलिए लाइव आई हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता है कि क्या मैटर हुआ है क्या नहीं है। तो मैं शॉर्ट में आपको सब बताती हूँ कि कल को कुछ अगर मेरे साथ हो तो आप लोगों को ना सारे चीज़ों की सच्चाई पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मैं बिग बॉस से लेके अब तक मैं कभी अपना कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई थी। बिग बॉस के निकलने के बाद आपने देखा वो होगा, और मैं दीदी से भी मिलने नहीं गई थी। और जब मैं मिली तो वहां पे भी उनके जो पीए हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, जिसकी वजह से मेरे पापा ने उन पे FIR डाली कि उन्होंने बदतमीजी तरीके से बात की। चलो मैं सच बताऊं, मैं इतनी भी हिम्मत रखती हूँ कि चल अपनी पार्टी के लिए मैं ये भी झेल लूं, पर मैं झेलने वाली लड़की नहीं हूं। ठीक है, जब मेरे पापा को मारा गया ना, मेरे पापा को गिराया गया और उनकी छाती पे जब मारा गया, तब मुझे आया है गुस्सा। आप समझ रहे हैं, तब मुझे गुस्सा आया। क्योंकि देखो मैं अपने को ठीक है, बट मैं अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे धक्का लगाया और मारा, लात मारी, बहुत सारी चीजें जो आपने वीडियो में देख ली, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बताती हूँ उसके अलावा जब एक लड़की का रेप होता है ना, या एक लड़की का जब मर्डर होता है खुले में, और वो अपनी जान बचाने के लिए रास्ते में जो गाड़ी वाले होते हैं उनसे मदद मांगती है कि भैया प्लीज गाड़ी खोल दो, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। मतलब इतनी भी इंसानियत नहीं है कि कोई एक बंदा अपनी गाड़ी का शीशा खोल के मुझको अंदर बैठा लेता, या मेरे पापा को अंदर बैठा लेता, हमारी जान बचा लेता। मैं दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं? मेरी पार्टी के खुद लोगों ने मुझे मारा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, जो धरना देते हैं लड़कियों पे कि लड़कियों पे अत्याचार हुआ है, लड़कियों पे रेप हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है वो नेता, कहाँ है सारे बड़े बड़े नेता, कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहे, दिखता नहीं है, अंधे हैं, पूरी मीडिया में छपा हुआ है, पूरा पूरा वीडियो आई हुई है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिखता नहीं है आप लोगों को? मर्डर होने का वेट कर रहे हो मेरा? तब बोलोगे जब मैं मर जाऊंगी, तब बोलोगे? मैं जा रही हूं, पता है मैं कल FIR कराने जा रही हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा लौटूंगी या नहीं, क्योंकि जो इंसान इतना हद तक गिरेगा वो कुछ भी करा सकता है। मेरा लाइव आने का मुद्दा ये है कि कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आपके पास सबूत हो कि मैंने आवाज उठाई और मेरी आवाज को इन लोगों ने गिरा दिया। आप CCTV फुटेज देखो ना, कांग्रेस के जो इतने बड़े बड़े नेता है, खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका दीदी, अपने अपने ऑफिस की फुटेज तो देखो मेरे पे इल्जाम लगाने से। ऊपर से आप लोग मुझे पार्टी से निकाल देते हो, अपने लोगों पे इंक्वायरी करने के बजाय आप मुझको ही पार्टी से निकाल देते हो। अरे मुझको निकाल के क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। अरे अपना सिस्टम ठीक करो, बोलते हो ना कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? अब पता चलेगा आपको क्यों नहीं आ रही है। इस वजह से नहीं आ रही है दीदी, क्योंकि जब कोई लड़की आपके लिए इतना मरती है, आपकी पार्टी के लिए इतना मरती है, आप उसकी इज्जत ही नहीं करते हो। इस वजह से कांग्रेस नहीं आ रही, क्योंकि आपके तो चारों तरफ जो बैठे हुए ना संदीप जैसे लोग सिस्टम चलाने के लिए, वो ही आपका सिस्टम खराब कर रहे हैं। और जो भी है FIR करके रहूंगी और इसका पता पुलिस करे, CCTV फुटेज मौजूद थी, असलियत पता चल जाएगी लोगों को क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पे ये बोला है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो आप पार्टी कार्यालय क्या करने आई हो? पहली बात तो मुझे पार्टी से निकाला 8 जून 2023 को, मेरे पास कोई रिसीव नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं किया, कुछ भी नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ।
और दूसरी चीज मैं बता चुकी हूँ, मुझे जिस इंसान ने निलंबित किया है श्याम किशोर शुक्ला, वो उनका कोई मायने ही नहीं रखता मुझे निलंबित करना, बिकॉज वो एक्स एमएलए है और मैं एक्स एमएलए कैंडिडेट हूं, तो कोई एमएलए किसी एमएलए कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, और वो अनुशासन समिति के सदस्य है, और अनुशासन समिति सदस्य बंदा कोई भी मुझको नहीं कर सकता। मुझको पार्टी से निकालने का अधिकार सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट पे है, जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही मुझे निकाल सकता है, या फिर ऊपर वाले लोग मुझे निकाल सकते हैं। ये तो मुझे एक बात बताइए, जनता स्थल है ना, तो मैं एज अ जनता ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आई थी, तो क्या आप जनता के साथ ऐसा बिहेव करेंगे अपने कांग्रेस कार्यालय में? क्या खड़गे जी को नहीं पता कि उनके पार्टी के कार्यालय में क्या चीजें हुई है, क्या कांड हुआ है, किस लड़की के साथ हुआ है? उस लड़की को बुलाइए, मुझे बात करनी है उससे कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या आप अपने पीए की बात मानेंगे? आपके पीए ने आपको जो बोल दिया आप उस चीज को सच समझ लेंगे? क्या आपका पीए भगवान है? क्या हम पागल हैं? तो अगर जब आप अपने पीओ की बात मानते हैं तो एक काम करते हैं, हम वोट कांग्रेस को ना दे के आपके पीए को देते हैं। हम आपको नहीं देते वोट, फिर हम पीए को देते हैं। फिर राहुल गांधी जी को वोट देने की क्या जरूरत है, क्योंकि उनके तो पीओ ने पूरा कमांड संभाली हुई है, गद्दी संभाली हुई है, समझ रहे हैं ना? अब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती, और मैं आपकी पार्टी की हूं और मैं सच बोल रही हूं, ठीक है? क्योंकि जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बोल रही हूं क्योंकि मुझे मेरे कल का नहीं पता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता, इसलिए आज ये सब चीजें मैं आपके सामने बोल रही हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं है, और भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे इतना बोलना था, मैंने बोल दिया। और रही बात एफआईआर की, कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता एफआईआर करने के अलावा। अब तो चाहे कोई कुछ भी बोले कि आपको 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, हाँ 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, वहीं दिल्ली में रहूंगी मैं, और वहीं जब तक मेरी एफआईआर नहीं होती तब तक नहीं हिलूंगी मैं। अब भी तो देखती हूँ मासूमों को सजा मिलती है ना, मासूमों को सजा मिलती है, अब देखती हूँ कानून कैसा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बनाया है ना, आज उसी कानून का सहारा ले रही हूँ मैं। बहुत हो गया, पहले तो मैं चलो ठीक है आके बोल जाती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आज पूरी जनता के सामने, क्योंकि जनता ही सबकी माए बाप होती है, जनता ही डिसाइड करती है क्या है क्या नहीं है, तो जनता के सामने सारी सीसीटीवी आएंगी और जनता के सामने सारा सच आएगा, ठीक है? ये लोग सोचते हैं ना, अब इनको देखते बहुत 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 सहन कर ली इनकी गाली, बहुत सहन कर ली इनकी पीड़ा, अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, अब इनको सजा दिला के रहूंगी। कुछ भी हो जाए पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो करेंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबूत देना मेरा काम है, मैं दूंगी, क्या चाहिए आप बताओ मुझे दो, मैं दूंगी। चलिए अब मैं रखती हूँ, ध्यान रखना आप, और Love you so much, my Insta family.